करने से बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मैच किया। न्यू था तो उससे मैच नहीं किया, जो नए जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में थे उससे मैचिंग नहीं हुआ। और अंदर का कुछ माहौल बताइए कि क्या बताएं, सब सही है लेकिन टाइट थोड़ा ज़्यादा है। टाइट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एक बेंच देखिए जो यहाँ का, मतलब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है इसी प्रकार से होता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं तो हमको भी आइडिया है यहाँ का जो एग्ज़ाम का है वो उसी तरह से रहता है। बिल्कुल सही। फिर भी जो आपका जो पढ़ाई कर रहे थे सिलेबस से, क्या सिलेबस से जो आपने पढ़ा वो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए एग्ज़ाम में, उससे कितना मैच किया? मैच तो किया है मैच, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन से मिलाते हैं तो इस बार पैटर्न में चेंजिंग है जिसके कारण से। चलिए, और क्या नाम हुआ? MD अब्दुल्ला खान। कौन सा ब्रांच है आपका? सिविल ब्रांच। और कौन सा पेपर था आज? आज था जियो टेक्निकल का। तो कैसा रहा आज का पेपर आपका? हमारे तरफ से तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जितना तैयारी किए थे उस हिसाब से ठीक ही गया है। ठीक ही गया जी। और एग्ज़ाम हॉल का क्या है जी? एग्ज़ाम हॉल में तो काफ़ी कड़ाई था सर, काफ़ी हाँ चोरी वगैरह तो कोई चांस ही नहीं था, कोई बस अपना जितना कॉन्ट्रीब्यूट हुआ दे सकें उतना हो सका हमसे। जो पढ़ाई आपने किए और बहुत कम समय अब इस बार मिला था तो उसका क्या असर पड़ा एग्जाम जी? टाइम का तो काफ़ी मैनेजमेंट में काफ़ी हाल रहा, काहे कि उतना टाइम में इतना कर पाना काफ़ी जैसे कि पॉसिबल नहीं है, टाइम से काफ़ी हम लोग को मार पड़ा है, इसीलिए टाइम का काफ़ी महत्व है, टाइम और मिलना चाहिए था। जो ये आज का पेपर, मतलब कि आपका लास्ट पेपर था ना इस सेमेस्टर का जी, तो कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे पहले वाला जो पेपर गया था उससे काफ़ी अच्छा। हमें तो डर था कि जियो टेक्निकल काफ़ी हार्ड जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स मेरे तरफ से बहुत अच्छा गया सर। चलिए, और आगे आने वाले सेमेस्टर में आने वाला अच्छा स्टडी रखना है, काफ़ी इससे अच्छा मेहनत, क्योंकि आपको इस बार फर्स्ट बार आप टेक्निकल पेपर का एग्ज़ाम दे रहे थे तो आपको बहुत कुछ आइडिया मिला। 12th बेस्ट था, कुछ उसमें जान था पहचान था, लेकिन इसमें बिल्कुल नया था, अब कुछ और मेहनत करना पड़ेगा सर। वो सारा एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया होगा एग्जाम हॉल से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें लगता है कि और बेहतर करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बिल्कुल, और अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलिए, आप अभी जो नए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जी सर, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बोलना चाहेंगे यही कि टाइम का शेड्यूल बनाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें और टाइम को ज़्यादा महत्व दें, बिना टाइम के कुछ नहीं होगा, इसलिए टाइम को फोकस करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कौन सा ब्रांच है? सिविल है। कैसा रहा आज का पेपर? एग्ज़ाम अच्छा रहा। और अभी तक फर्स्ट बार आप लोग ब्रांच पेपर का एग्ज़ाम दे रहे थे तो कैसा लगा ब्रांच पेपर का एग्ज़ाम देने में, और जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते थे उससे इसमें क्या डिफरेंट था? इसमें मतलब ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इसका एक्सपीरियंस और वो भी चाहिए था वो। लेकिन ये जो हम लोग का सिविल ब्रांच है जैसे, तो ब्रांच पेपर के प्रश्न कुछ अलग तरीके के आते हैं, वो उसमें क्या आपका रहा, जो पढ़ाई किए हैं उससे मैच हुआ या नहीं, या पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही थी, मैच किया है, सारा पढ़ा हुआ आया। आया सारा पढ़ा हुआ, ऑल टू ऑल पेपर का सारा कुछ सही से रहा। अभी जो नए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट लोग, जो भी सिविल के हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वो भी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे और ब्रांच पेपर का एग्ज़ाम देंगे? वो क्या बोलेंगे, वो तो अच्छे से प्रिपेयर करें अपना पढ़े। चलिए, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ से पढ़े तो उससे क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी हुआ? पढ़े थे वो सारा क्वेश्चन आपका मैच किया एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार न्यू सिलेबस था। मैच किया। मतलब जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं मेहनत करते हैं तो वो एग्ज़ाम में आता है। अगर आप पढ़िएगा तो आएगा आएगा। और आपने ये तैयारी कैसे की है, इतने कम समय में आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की है? तैयारी सर, सिलेबस ख़त्म हो गया, मतलब 2 महीना में सिलेबस ख़त्म हो गया और कुछ दिन रिवाइज करने को मिला है, और सर लोग क्वेश्चन मतलब यूट्यूब पे क्वेश्चन मतलब देते थे, ऑब्जेक्टिव वगैरह बनवाते थे, रिवाइज करवाते थे। कहाँ पे आप पढ़ाई करते थे? हम सर पटना में पढ़ाई करते हैं, पटना में GRS मंत्रा। अच्छा, तो वहाँ से बहुत कुछ मिला आपको? जी जी। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा आज का एग्ज़ाम? ठीक ठाक रहा। क्वेश्चन कैसा, क्या क्या आया था? बढ़िया था, मतलब कि जो भी आया ठीक ठाक था, ऐसी बात नहीं। तो बनाए कितने नंबर का बनाए? लमसम
बना दिया, दो क्वेश्चन छूट गया बस। दो क्वेश्चन छूट गया, हाँ सब बना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था? हाँ दो क्वेश्चन आया था। और चार नंबर और छः नंबर में भी VVI क्वेश्चन आपको दिया गया था? हाँ, वो थेवेनिन का थ्योरम था, वो फिर इसका था नॉर्टन थ्योरम था, वो भी आया। सारे क्वेश्चन बन गया इजी वे में। हाँ, पांच पेपर आज लास्ट हो गया, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है सर, कितना रिलीफ मिल रहा है कि मतलब सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा मार्क। तो आप क्या करना है आज? तो भाई एग्जाम लास्ट हुआ है तो पार्टी होना चाहिए। कैसे आज का दिन इंजॉय करिएगा? आज के दिन तो बस अब तो कॉलेज में जाना रहेगा। और सर मेरा गोलू कुमार नाम है। और कौन सा ब्रांच है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। अच्छा, कौन सा कॉलेज है आपका? हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारी का। टेकारी। कैसा रहा आज का पेपर? आज का पेपर सर बहुत अच्छा रहा हमें, और बहुत सा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और बाकी 28 नंबर का पासिंग मार्क्स था, क्वेश्चन ठीक ठाक था। ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव आपने मतलब जो पढ़े उससे डायरेक्ट वे में आपको आ गया हो? हाँ आ गया है। कितना लगभग कितना सही आप बनाए? लगभग ऑब्जेक्टिव में मेरा 20 में लगभग 12-14 को सही है। 12-14 सही है, बिल्कुल वो अच्छा इतना है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस में तो समझ लो प्लस पॉइंट है आपका। 14-15 ऑब्जेक्टिव, वो भी नया सिलेबस होने के बावजूद आप लगा रहे हैं, जो कि न्यू सिलेबस है आपका, क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल भी है, तो वो ऐसे ही है। तो आपको मतलब कि प्रिपरेशन करने में क्या बहुत कम समय इस बार मिला था, तो इसमें क्या आपको कुछ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यही कि मतलब हम ऑलरेडी क्लास ज्वाइन किए हुए थे इसका प्रिपरेशन के लिए। कहाँ कौन सा क्लास आपने ज्वाइन किया? पटना। पटना, पटना। तो क्या पढ़ाई जो हुआ था उससे? जो मेरा सेमेस्टर था 18 सेमेस्टर उसी का पढ़ाई हुआ था। चलिए ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? आइए आइए आइए, लजाइए नहीं, शर्माने में क्या है, बात करने में क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? अंकित कुमार नाम है। ब्रांच? सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच। आज का पेपर कैसा रहा? बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। अभी तक आपने ब्रांच पेपर का पहली बार एग्जाम दिया, वो भी न्यू सिलेबस के साथ, तो आपको क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, हैं? अच्छा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई किसी तरह का परेशानी नहीं। पहले फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप एग्जाम देते थे वो, और इस बार ब्रांच पेपर का दे रहे हैं, उसमें क्या आपको कुछ अलग कुछ डिफरेंस? फर्स्ट सेकंड जो दिए थे उसमें बहुत सारा जो टॉपिक था वो पढ़ा हुआ था, इस बार बिल्कुल न्यू के साथ तैयार होकर आना पड़ा, जो कभी सुने नहीं थे। हाँ भले ही सिविल ब्रांच है तो देखने को मिलता है कि जैसे घर बना रहे तो क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका वास्तव में हम लोग नाम नहीं जानते थे। नाम नहीं जानते, जानते थे कि बालू होता है, गिट्टी होता है। पढ़ने में क्या आनंद, सिविल ब्रांच देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप पूल वगैरह सब आप देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग। अब आप इंजीनियर बनिएगा तो आप भी उसको बनाने में एक हेल्प इंजीनियर के तरफ पे काम कीजिएगा। कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करते बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए बहुत बहुत इंटरेस्ट, इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, और भगवान करे कि आप भी एक बार इंजीनियर बन जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, अरे आइए, दो बात बोलने में क्या जा रहा है जी, सब इंजीनियर बनने वाला है, बताओ बात करने से लजा रहा है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस, द पॉलिटेक्निक क्लासेस सर्च कीजिए। आपका? सुमित गौरव। कैसा रहा आज का, कौन सा आपका ब्रांच है? सिविल ब्रांच है। सिविल। आज पेपर कैसा रहा आप लोग का? बहुत अच्छा रहा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिला। हाँ, और आज लास्ट एग्ज़ाम है आप लोग का सेमेस्टर का, कैसा लग रहा है? प्रेशर जो था एग्जाम वाला, किसी को भी लास्ट एग्जाम के बाद अच्छा ही रिलैक्स फील होता है, मुस्कुराहट आप लोग के चेहरे पे आई, एग्जाम अच्छा जा रहा है? हाँ अच्छा, बिल्कुल अच्छा गया, पास हो जाइएगा बिल्कुल सर, पास 80 नंबर आ जाएगा, 80% चांस रहेगा, चांस है। कम समय इस बार मिला, कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी जो करना था, इसमें कम समय की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ? बहुत सा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, टोटल सिलेबस होल कवर नहीं हो पाया, सिलेबस फिर भी बहुत अच्छा, मतलब कि एक्सपीरियंस रहा, फिर भी रहा, प्रेशर में गया लेकिन मतलब सही गया, सही गया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राणा कुनाल है। और ब्रांच कौन सा है? ब्रांच मैकेनिकल। और ब्रांच सेमेस्टर? सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। आप एग्जाम आप लोग का कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया। कैसा रहा आज एग्जाम? रास्ते पर सर जाओ बाबू लोग, बहुत अच्छा एग्जाम गया था। हाँ, और इधर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारे थे, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे, मतलब तैयारी की है, वो सारा कुछ आया, पूरा अच्छा से पढ़ाई हुआ था स्कूल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। हाँ हाँ, कैसा रहा जी? बड़ा जबरदस्त है,
पूरा एकदम BBI क्वेश्चन सब लड़ा एकदम A to Z आओ ना इधर इधर आना आदर्श कैसा रहा एग्जाम मजा आ गया सर 60 प्लस हो जाएगा 60 प्लस पक्का ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव शायद 18-17 के बीच में होगा कहीं इसमें दो तीन कन्फ्यूजन वाला दे दिया दो तीन कन्फ्यूजन बाकी सब पढ़ा में से आया एकदम मजा आ गया सर दो तीन जो न्यूमेरिकल आया था कि नहीं न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बहुत सिंपल सिंपल देखिए क्वेश्चन क्या नाम हुआ आपका चेतन कुमार और कौन सा ब्रांच है सिविल सिविल कैसा रहा आज का एग्जाम बहुत अच्छा रहा क्या एक्सपीरियंस मिला यही 60 प्लस आ जाएगा 60 प्लस आ जाएगा हाँ, आज एग्जाम लास्ट हुआ कैसा अनुभव हो रहा बहुत अच्छा अनुभव हुआ 650 पार इस बार कर देंगे 650 पार हाँ, आपकी बार 650 650 पार इसके अगला बार टॉप करने का कोशिश करेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी मजबूत इरादे के साथ बने रहिए क्या नाम हुआ नीतीश कुमार कौन सा ब्रांच है सिविल आज कैसा रहा पेपर अच्छा रहा पहली बार ब्रांच पेपर का एग्जाम दे रहे थे कैसा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा और कम टाइम में इस बार एग्जाम ले लिया गया कैसा अनुभव हो रहा है ये बहुत खराब किया बहुत कम टाइम में हम लोग को टाइम ही नहीं क्या खाना चाहिएगा SPT बोर्ड को SPT तो बहुत खराब किया वो बहुत खराब किया हाँ दो महीने में कुछ सिलेबस होता है दो महीने तो प्रैक्टिकल बनाने में लग जाएगा लग जाता है एकदम आराम से तो अगला सेमेस्टर की तैयारी आज से ही स्टार्ट करना चाहेंगे हाँ अगला से जब मन प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल के बाद स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट भी निकालता है साला 4 महीने के बाद निकालता है जब 2 महीना बचता है तब रिजल्ट निकालता है लेकिन फेल होगा पास होगा रिजल्ट पहले निकालेगा तब ना पता लगेगा चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हम वो आपका हल्ला करेगा तो सबका आवाज नहीं आएगा अब ऐसे थोड़े ना होता आराम से खड़ा हो जाए क्या नाम हुआ कमल ने कौन सा ब्रांच है सिविल ब्रांच है कैसा रहा आज का पेपर आज का पेपर बहुत बढ़िया रहा अच्छा पेपर था उतना खराब पेपर नहीं था एग्जाम पूरा कम्प्लीट कर लिए कैसा प्रेशर आज क्या लग रहा है पूरा एग्जाम आज खत्म हो गया तो रिलीफ लग रहा है जैसे मतलब पहले जैसा नॉर्मल लग रहा था वैसे आज नॉर्मल लाइफ लग रहा है जैसे जाएंगे मतलब मस्ती वस्ती करेंगे जो मतलब एक मंथ में नहीं कर पाए जो अब करेंगे स्टार्ट करेंगे क्या करोगे वो चलिए ठीक है पढ़ाई भी अप्लाई होता है कौन सा ब्रांच है आपका मेरा सिविल है सिविल है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल क्लास है हम तो यही कहेंगे क्लास कहीं भी करो लेकिन मेहनत करना है अपने आप पे हम बार बार यही बात दोहराते हैं कोई आपसे मेहनत कर बिहार बोर्ड से सबको दिक्कत है सबको आप अपने क्लास में देख लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट है जो बिहार बोर्ड से मिल जाएगा लेकिन प्रॉब्लम को फेस करना नाम हुआ नीतीश कुमार कौन सा ब्रांच है आपका सिविल ब्रांच सिविल और कॉलेज कौन सा आपका BIT तो कैसा रहा आज का पेपर आपका आज का पेपर ठीक रहा बहुत अच्छा रहा अंदर एग्जाम हॉल में फर्स्ट बार आप लोग ब्रांच पेपर का एग्जाम दे रहे थे तो आप लोग को क्या क्या मतलब शुरू से लेकर के अभी तक एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो कि आपको लग रहा था कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए जैसे टाइम मैनेज करना सारों प्रश्न का जवाब 3 घंटे के अंदर आपको देना है कितने पेज में देना है इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब कि आपने स्टडी कैसे की कैसे तैयारी करने में क्या आपने लगाया क्या किस तरह से तैयारी की समय हम लोग के ब्रांच पेपर जो कम मिला था समय 6 महीना का रहता है 3 महीना में 3.5 महीना टाइम मिला था अच्छा तो हम लोग जो पढ़ाई तो जो सिलेबस रहता है कम्प्लीट करवा दिए थे आकाश टेक्निकल में जाते अच्छा, कोचिंग हाँ ठीक है तो उसकी तैयारी मतलब कैसे की आप एग्जाम आपका अच्छा गया तो क्या आप लिख करके पढ़ाई करते थे या फिर किस तरह से रट्टा मारते थे याद करते थे हाँ। याद किए और वही सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हाँ। चलिए और कुछ क्वेश्चन बैंक से मिल गया था क्वेश्चन बैंक से सारा मिल रहा है हाँ। कौन सा प्रकाशन वाला क्वेश्चन बैंक आपने प्रिफेयर किया आदित्य पब्लिकेशन मतलब की आदित्य पब्लिकेशन का क्वेश्चन अच्छा आ रहा है फाउंडेशन वाला